हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का यूनिट 12 आज हम लोग शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारे ही चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 पेज में ही आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत होगी टॉपिक से। टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को लेके बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया। इसमें बोला गया कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसमें बोला गया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसके लिए कंसर्न करता है, इकोनॉमिक्स क्या सोचता है। वो सोचता है प्रोड्यूस कैसे होगा, कंज्यूम कैसे होगा और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। तो गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कैसे बनाई जा रही है, कैसे लोग उसको खर्च कर रहे हैं, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स देखता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। गुड्स मतलब आपकी कॉपी, किताब, लैपटॉप, पेन, जिसको आप टच कर सको, जो होती है टेंजिबल, जिसको आप टच कर सको, तो वो आ जाएगा आपका गुड्स। सर्विसेज होता है जो कि इनटेंजिबल होता है, जैसे आप किसी होटल में गए खाना खाने या पिक्चर देखने चले गए या आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो ये सारा आपका सर्विसेज है। इस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है तो जो वो सर्विसेज आपको दे रहा है वो टच नहीं किया जा सकता, या फिर बैंक में आप बैंकिंग सर्विसेज देते हैं तो वो भी सर्विसेज में आ जाएगा, क्योंकि हम जो सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं उस चीज़ को टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विसेज में। तो इकोनॉमिक्स यही देखता है कि गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कैसे बनाई जा रही है, कैसे वो कंज्यूम हो रही, कंज्यूम होता है खर्च करना, और कैसे उसको बांटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स देखता है। यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है, देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी हाउ रिसोर्स आर बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड ऑफ क्रिएटर्स। तो बोल रहे हैं कि ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है समझना कि कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिसोर्सेज आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों ही आ जाएगा। जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग इंटरनेशनली कनेक्ट होते जा रहे हैं, इंटरनेशनली कनेक्ट का मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी हमारी जो कंपनीज है, हम बाहर जाके कंपनीज खोलते, बाहर जाके जॉब करते, बाहर की कंपनीज यहाँ पे आ रही है, तो सब चीज़ें इंटरनेशनली कनेक्ट है, तो वहाँ पे इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पड़ जाता है। तो इकोनॉमी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये जो वर्ड है इकोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है आपका, वहाँ से इकोनॉमी को शुरू किया गया है। सो ग्रीक वर्ड है हमारा ओइकोनोमिया, और इकोनोमिया ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट, वहीं से आपका इकोनॉमी को जो है ड्राइव किया गया। तो ये दो वर्ड, ये जो आपका ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स है, एक है आपका ओइकोस और दूसरा आपका निमिया। ओइकोस का मतलब होता है होम, ओइकोस का मतलब होता है होम यानी आपका घर, और जो निमिया इस पर दूसरा वर्ड है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और घर, इन दो वर्ड से मिलकर आपका जो है इकोनॉमी बना है। इसको अगर हम जोड़े, इकोनॉमिया को हम जोड़े, तो हमारे को मिलता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, क्योंकि घर है आपका ओइको का मीनिंग और निमिया का मीनिंग है मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, ग्रीक वर्ड है हमारा ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया में जो आपका ओइको है उसका मतलब होता है होम और जो निमिया है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो उसको अगर हम जोड़े तो जोड़ के बनता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी आपका इकोनॉमी क्या है, एक तरह से हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही होता है। इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। जो इकोनॉमी है वो एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ये बताता है रिलेशनशिप किसके बीच में, एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, एंड्स क्या होता है, एंड्स होता है वॉन्ट, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। मीन्स मतलब, स्कार्स मीन्स मतलब वो चीज़ें जो कि पूरी नहीं है। स्कार्स मतलब मीन्स मतलब किस तरीकों से आप अपनी वॉन्ट्स को, अपनी इच्छाओं को, एंड्स को पूरा करोगे। विच हैव अल्टरनेट यूज, मतलब कोई मीन्स है, कोई चीज़ है जिससे आप अपनी इच्छाओं को, अपने एंड्स को पूरा कर रहे हो लेकिन वो पूरी नहीं है, वो कमी है, तो उसके लिए उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है कि स्कार्सिटी मीन्स अवेलेबल रिसोर्स, तो स्कार्सिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कमी। कमी का मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है। लोग बहुत सारे, वांट बहुत ज़्यादा है, नीड्स लोगों की ज़्यादा है, वांट वही हो गया आपका एंड, एंड वांट ज़्यादा है, नीड्स ज़्यादा है, बट इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोला जाएगा स्कार्सिटी, मतलब चीज़ों की कमी पड़ जाना। और बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो, इन द एब्सेंस ऑफ स्कार्सिटी, मतलब कमी भी ना हो और बहुत सारे अल्टरनेट चीज़ें रखी हो, देर इज़ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि चीज़ों की कमी होती है और बहुत सारे जो अल्टरनेट है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पर हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। फिर यहाँ पर लिखा था कोर ऑफ इकोनॉमिक इज टू रिकोगनाइज द फैक्ट ऑफ स्कार्सिटी। तो जो इकोनॉमिक्स है उसका जो कोर है, उसका जो सार है, उसका जो बेसिक है, वो यही है कि स्कार्सिटी मतलब क्या कमी है उसको रिकोगनाइज करना और फिगर आउट करना हाउ टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन सच ए मैनर दैट रिसोर्स आर मोस्ट
आर यूज मोस्ट एफिशिएंटली। तो जैसे आपका घर है, मान लीजिए किसी घर में सैलरी बहुत कम है, तो वहां पे क्या किया जाता है, मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि इफिशियंट वे में रिसोर्सेज को, चीजों को इस्तेमाल किया, वहां पे फिजूल खर्ची नहीं होगी, चीजों को वेस्टेज नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में 50,000 सैलरी, तो छोटी मोटी फालतू चीजें भी वो लोग खरीद सकते हैं जिसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर जिस घर में 10,000 सैलरी है तो वहां पे ज्यादा इफिशियंट वे में जो है पैसों को खर्च किया जाएगा। तो जो भी आपके रिसोर्स है, रिसोर्स को आप अपनी सैलरी की तरह सोच लीजिए, ठीक है, तो जो भी आपके रिसोर्स है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको इफिशियंट वे में किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। तो इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई थी, ये तो पूरा बेसिक था, तो बेसिक में से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इकोनॉमिक्स की अलग अलग इकोनॉमिक रहे हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी है, तो एक आपका एडम स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, फिर मार्शल की डेफिनेशंस, और लास्ट में आपका रॉबिन्स की। तो इन तीनों डेफिनेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक एक लाइन में बोला जाए कि एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी, तो इन्होंने बोला था कि इनकी जो डेफिनेशन है, इन्होंने वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, इन्होंने वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मार्शल की जो डेफिनेशन है, इन्होंने जो है ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और तीसरा जो है आपका रॉबिन्स डेफिनेशन, इन्होंने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इनकी जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने स्कार्सिटी को बेटर वे में डिफाइन किया। ये सब अभी हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में, शॉर्ट में जाना चाहे तो इसके डेफिनेशन में स्कार्सिटी की बात की गई है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग इकोनॉमिक्स रहे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जनरली ये होता है कि एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया, या इनकी जो बुक है, बुक का नाम भी पूछ लेते कई बार, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला था हमारा एडम स्मिथ, उसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक को लेकर क्या डिफाइन किया। एडम स्मिथ को बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम्स, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आंसर क्या रहता है, एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो 1776 में इनकी बुक आई थी, बुक का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि बुक के ऊपर भी कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने इकोनॉमी को डिफाइन किया स्टडी ऑफ वेल्थ, इन्होंने बोला अगर आप इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो आप वेल्थ को स्टडी कीजिए, इसलिए इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। तो इन्होंने बोला था अगर आप इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम, मतलब जो पैसा है वो कैसे बन रहा है और कैसे वो खर्च हो रहा है, उसको स्टडी कर लीजिए, आपकी इकोनॉमिक की जो है स्टडी हो जाएगी, ऐसा इनका कहना था। इसीलिए इनके डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोला जाता है। इनकी जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा मेटरलिस्टिक है, मेटरलिस्टिक मतलब जो वेल्थ पैसा इनकी बात करता है, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा मेटरलिस्टिक है। इसमें जो है इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ, इसमें पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है देन टू मैन फॉर हुज यूज द वेल्थ इज प्रोड्यूस। तो पैसा कैसे बन रहा है, कोई चीज बन रही है तो इंसान ही तो उसको बना रहे ना, तो ये इंसानों से ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस देता है। इनकी जो डेफिनेशन है इंसानों से ज्यादा पैसों को डेफिनेशन देती है, इंपॉर्टेंस देती है, इसीलिए इनकी डेफिनेशन को मेटरलिस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने बहुत देखा जाए तो ये फादर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, फादर थे, इन्होंने बुक भी लिखी थी इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने बोला था कि अगर आप इकोनॉमी को स्टडी करना चाह रहे हैं ना तो आप वेल्थ को स्टडी कीजिए, वेल्थ कैसे बन रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है, उसको स्टडी कर लीजिए, आपकी इकोनॉमी की स्टडी हो जाएगी। इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोला जाता है। इनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा मेटरलिस्टिक है क्योंकि ये वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है। वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आदमी के द्वारा, मैन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, बट इन्होंने आदमी से ज्यादा पैसे को यानी वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो ये पहले हमारी डेफिनेशन होगी एडम स्मिथ, ये बहुत बार पूछते हैं, ये तीनों ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको एडम स्मिथ का पूरा याद हो गया होगा। अगले थे हमारे मार्शल, मार्शल ने भी इकोनॉमी को डिफाइन किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड मार्शल, द वेल नोन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, तो ये इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही जाने पहचाने। इन्होंने बोला था इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला अगर आप इकोनॉमिक को स्टडी करना चाह रहे हैं ना तो आप मैन को स्टडी कीजिए, ऐसा इन्होंने बोला था। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो आप जो भी बिजनेस ऑफ लाइफ जिसमें भी आप डील कर रहे हैं तो आप मैन को स्टडी कीजिए, आपकी इकोनॉमिक स्टडी हो जाएगी। इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर मोर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि पैसे को पूरा इग्नोर कर दिया था, इन्होंने बोला कि एक तरफ तो आप वेल्थ का भी स्टडी कीजिए और दूसरी तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आदमी की स्टडी कीजिए, ऐसा इनका कहना था। वेल्थ हियर मीन्स एनी, अब इन्होंने जो वेल्थ यहाँ पे बोला था, वेल्थ का इनका कहने का मतलब था कोई भी कमोडिटी विच गिव मैन सेटिस्फेक्शन, जो कि आदमी को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, कोई यूटिलिटी, तो वो सारी चीजें आपके वेल्थ में आ जाएगी। और द अल्टीमेट पर्पस और ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इज टू प्रमोट वेलबींग और वेलफेयर। तो इनका कहने का मतलब था कि इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो है वेलबींग या वेलफेयर को प्रमोट करना, ठीक है। तो इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को देखा था साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन वेलफेयर का साइंस है, इसलिए इनके डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है, वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है।
और ये हमारे सेकंड हमारे इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है। तो जो पहले थे एडम स्मिथ, उन्होंने बोला था कि जो अगर आप इकोनॉमी को स्टडी करें तो वेल्थ को स्टडी कीजिए, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसको आप स्टडी कर लीजिए, आपका इकोनॉमी का हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। उनकी डेफिनेशन काफ़ी मेटेलिस्टिक थी। पर जो मार्शल थे हमारे एल्फ्रेड, इनका कहना था कि अगर आप इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो आप आदमी की स्टडी कीजिए, ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसमें आप आदमी को स्टडी कीजिए, आपका इकोनॉमी का स्टडी इसमें हो जाएगा। इनकी जो एक डेफिनेशन है वो वेल्थ को प्रमोट करती है, ऐसा नहीं कि वेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, कर रही है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें आदमी को दिया गया, मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें जो वेल्थ है, इन्होंने जो बोला कि वेल्थ को स्टडी करना चाहिए, तो वेल्थ का मतलब कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़ जो कि आदमी को सेटिस्फिकेशन देती है, कोई भी चीज़, कोई भी सामान जो आपको सेटिस्फाई करती है, तो वो आपका इसमें वेल्थ हो जाएगा। वेल्थ इज द मीन्स टू वेलफेयर। तो इनका कहने का मतलब था कि जो वेल्थ है उसी से आप वेलफेयर कर सकते हैं। तो इनके डेफिनेशन ह्यूमन बींग को, वेलबींग को, वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो वेलफेयर डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल के द्वारा दिया गया था। तीसरे थे इकोनॉमिस्ट रॉबिन। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक दो बार इसको साथ साथ रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो रॉबिन तीसरे हमारे इकोनॉमिस्ट थे, इनका पूरा नाम था लॉयनल रॉबिन्स। तो इन्होंने बोला था, इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स विच है। तो बोला था कि जो इकोनॉमी है ना वो एक साइंस है। साइंस कैसी साइंस? जो कि रिलेशनशिप बताती है एंड्स के बीच में और स्कार्स के बीच में। एंड होता है वांट, मतलब आप क्या चाहते हैं, और स्कार्स मतलब क्या, स्कार्स मीन्स मतलब क्या चीज़ें जो कम है जिसके लिए आप अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल आप चाहते हैं, ठीक है, आपको खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो वो आपकी एंड हो गई। लेकिन मस्टर्ड ऑयल बीच में क्या था कि मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, तो जिसकी वजह से इसकी स्कार्सिटी आ गई थी, कमी पड़ गई थी मस्टर्ड ऑयल। तो उसकी वजह से लोगों ने जो है मस्टर्ड ऑयल के बदले जो है रिफाइन ऑयल या फिर घी, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो रिलेशनशिप है आपकी एंड के बीच में और आपके स्कार्स मीन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, वही बताता है इकोनॉमिक्स। ये कहना था हमारे रॉबिन जी का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के द्वारा दी गई थी। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड। तो इनका कहने का मतलब था कि अगर आप इकोनॉमी को स्टडी करना चाह रहे हैं तो मीन्स और एंड को स्टडी कीजिए। एंड होता है वॉन्ट, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं मस्टर्ड ऑयल, आपको अपने घर में खाना बनाने के लिए चाहिए मस्टर्ड ऑयल, तो आपकी मीन्स या एंड हो जाएगी आपकी मस्टर्ड ऑयल, सॉरी आपकी एंड या वॉन्ट हो जाएगी मस्टर्ड ऑयल। मीन्स मतलब कौन से तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द मीन्स और रिसोर्स आर लेस रिलेशनशिप टू देयर डिमांड। तो आप क्या चाहते हैं और वो जो तरीके हैं, वो मतलब जो भी आपकी मीन्स है, जो भी आप रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आप मस्टर्ड ऑयल चाहते हैं बट मस्टर्ड ऑयल जो रिसोर्स है, जो मीन्स है, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, डिमांड के कंपेरिजन में कम है। हाउ ह्यूमन बींग यूज द स्कार्स रिसोर्स टू फुल। तो बोला जो ह्यूमन बींग है कम रिसोर्स है, उसको वो कैसे यूज़ करता है अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, वही इकोनॉमिक्स है। मतलब इकोनॉमिक्स आप ऐसा समझ लीजिए कि घर में है सिर्फ, घर में मान लीजिए सैलरी आती है सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है। इनका कहने का मतलब था 10,000 रुपये सैलरी आती है और घर में है 5 लोग। अब 10,000 रुपये से कैसे आप 5 लोग का खर्चा अच्छी तरह से उठा पा रहे हैं, इसी को स्टडी कर पाना आपका इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ इनका कहने का मतलब था, ठीक है। तो जो आपकी स्कार्स रिसोर्स, कम रिसोर्स आपके पास है, मान लीजिए 10,000 सैलरी, तो ये कम अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो स्कार्स रिसोर्स है उसकी हेल्प से आप कैसे अपनी डिजायर को, अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे, तो उसी को स्टडी करना है आपका इकोनॉमिक्स, ये कहना था रॉबिन जी का, ठीक है। और इस इन ये जो रॉबिन है, इनके डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन में बोला जाता है। स्कार्सिटी मतलब कम है, रिसोर्स कम है, फिर भी हम जो है अपनी डिजायर को पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो इकोनॉमिक्स में जो है रॉबिन के द्वारा बताया गया था। जो रॉबिन के डेफिनेशन उसको नीचे उन्होंने और यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि जो रॉबिन की डेफिनेशन है उसको स्कार्सिटी क्यों बोला जाता है। रॉबिन की डेफिनेशन रिलेशनशिप बताती है एंड और स्कार्स के बीच में, ठीक है। एंड मतलब क्या आप चाहते हैं, वांट, और स्कार्सिटी मतलब वो रिसोर्सेज कम है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करती है रॉबिन डेफिनेशन। इनका कहना था कि आपके पास चीजें ज्यादा नहीं है, आपके पास रिसोर्स की कमी है, फिर भी आप अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरी कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, तो वो आपको इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। ये कहना था रॉबिन का, क्योंकि ये स्कार रिसोर्स के ऊपर बात करता है, इसलिए इनकी डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो इन्होंने जो है जो रॉबिन की डेफिनेशन है, कुछ और चीजों के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे बोला था वॉन्ट्स मतलब जो आप चाहते हैं वो है अनलिमिटेड। वॉन्ट मतलब आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा अनलिमिटेड है, ये बात बिल्कुल सच है, आप ट्राई कर लीजिए। जब आपकी 10,000 सैलरी है तब भी आपका गुजारा हो जाएगा, आपकी एक मतलब तब भी आपके पास पैसे कम पड़ेंगे, आपकी 1 लाख सैलरी तब भी आपके पास पैसे कम पड़ेंगे, और 10 लाख हो तब भी कम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं आपकी इच्छाएं जो है, आपकी वॉन्ट जो है बढ़ती जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो अनलिमिटेड है। अभी आपके पास छोटा घर है, कुछ टाइम बाद अगर आपको मौका मिलेगा बड़ा घर खरीदेंगे। आपके पास बड़ा घर है, मौका मिलेगा आप 2 घर खरीदेंगे, 3 घर खरीदेंगे, 4 घर, आपका अंत, आपकी इच्छाओं का अंत कहीं नहीं होना, ठीक है। तो वही चीज़ इसके द्वारा बोली गई थी। यहाँ पे जो एंड इस्तेमाल किया गया वर्ड, एंड रेफर्स टू वॉन्ट, तो वॉन्ट का मतलब है आपका एंड। ह्यूमन बींग हैव वॉन्ट्स, तो जो ह्यूमन बींग है उनकी इच्छाएं होती है विच आर अनलिमिटेड, जो कि अनंत है,
साधु संत कोई बन जाते हैं जो अपनी इच्छाओं पे काबू पा लेते हैं, तो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। जनरली जो ह्यूमन बींग है उनकी इच्छाएं होती है और वो अनलिमिटेड होती है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वो इसलिए चल रही है ताकि ह्यूमन की इच्छाओं को सेटिस्फाई किया जाए। अब मान लीजिए कोई इंसान कुछ खरीदता नहीं है, कुछ करता नहीं, सन्यासी की तरह जीवन बिताता, तो क्या इकोनॉमी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इकोनॉमी मतलब लोग डिमांड करे, कंपनीज उसको बना के सप्लाई करे, तो वही सब हमारे इकोनॉमिक में चलता रहता है। वही चीजें बोली कि वी एक्सपीरियंस ऑल टाइप ऑफ वॉन्ट, तो यहाँ पे हम अलग अलग इच्छाएं करते हैं, जैसे कपड़े, खाना, शेल्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हम ये सारी चीजों की जो है इच्छा करते हैं, ये सब हमारी वॉन्ट्स आती है। देर इज नो लिमिट, हमारी लिमिट नहीं है, इन वॉन्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। फूड, अभी आपको खाना चाहिए, आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो आप 5 स्टार में खाना खाएंगे, ठीक है, 5 स्टार। कपड़े चाहिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। अभी आपका एक छोटे घर से गुजारा हो रहा है, पैसे होंगे तो आपको बड़ा घर लेना है, छोटे स्कूल में भी आपका गुजारा हो रहा है, बड़ा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरटेनमेंट आप बड़े तरीकों से कर रहे हैं जिसमें आपके ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे वॉन्ट्स पे आ जाती है और इन वॉन्ट का कोई लिमिट नहीं है। वी कैन नॉट से, मतलब ऐसा स्टेज कभी नहीं आएगा जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। व्हेन वन वॉन्ट इज सेटिस्फाई अनदर अरस, जैसे आपकी एक इच्छा पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, ये बिल्कुल होता है। तो वही चीज लिखी है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड है, द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिटेड, तो वॉन्ट्स जो हमारी इच्छाएं, इच्छाएं तो हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन जो तरीके, जो मीन्स, जिन तरीकों से आप अपने वॉन्ट को पूरा करोगे वो लिमिटेड है, ठीक है। अब जैसे आप घर, कपड़ा खरीद, जो भी आप डिमांड कर रहे हो, तो वो तो डिमांड तो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स है, वो लिमिटेड है। फिर वही बोला है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट अलोन विल नॉट क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप बहुत ज्यादा वॉन्ट कर रहे हो, बहुत इच्छा कर रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। इफ मैन हैज अनलिमिटेड रिसोर्स, मान लीजिए रिसोर्स भी बहुत सारे अनलिमिटेड होते हैं, या ऐसे तरीके जिससे ह्यूमन की इच्छा को पूरा किया जाए वो बहुत सारे होते हैं, तब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। अब मान लीजिए लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कपड़ों की, खाने की, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा कपड़ा है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है? द रिसोर्स आर स्कार्स, तो लोग जो डिमांड करते हैं उसके कंपेरिजन में रिसोर्स कम है, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, तो क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो कम हो रही है और जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, देखिए, रॉटन एग्स, खराब अंडे आपके पास है, दो मच फ्यूअर देन गुड वन। अब एक दुकान है, दुकान में मान लीजिए 100 अंडे, उसमें से 5 मान लीजिए खराब है, 95 अच्छे हैं, आर नॉट स्केयर्स इन, तो जो 5 खराब अंडे उसकी कोई डिमांड नहीं करेगा, लेकिन जो 95 अच्छे अंडे उसकी लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देर में भी ह्यूज स्टॉक, तो बोल रहे हैं कि आपने किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्टॉक बना रखा है, बहुत सारी चीज़ें, बट उसके बावजूद भी चीज़ें कम पड़ जाती है। इसमें दो एग्जाम्पल दिए, एक तो यहाँ पर अंडों का एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए 100 अंडे, उसमें से 5 अंडे खराब है, रॉटन है, तो लोग 5 अंडों की डिमांड नहीं करेंगे, भले ही 5 अंडे बहुत ही कम क्वांटिटी में, फिर भी जो है उसकी कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो उसकी कमी नहीं, खराब अंडों की कमी नहीं, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें, जैसे आपका वीट हो गया या फिर कोल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोई कमी है, पर उसके बावजूद भी ये कम है, क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो पा रही है जिसकी वजह से ये कम पड़ गया। अब लाखों करोड़ों लीटर, मतलब करोड़ों टन आपके पास कोल है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से कम पड़ गया। और यहाँ पे दुकान में 100 अंडे, उसमें से 5 अंडों की तो कोई डिमांड नहीं कर रहा क्योंकि खराब है, पर 95 अंडे अच्छे हैं, तो बोल रहे हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कम है या ज़्यादा, मेन फर्क इस बात से पड़ रहा है कि उसकी डिमांड कितनी हो रही है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो कितनी भी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो वो भी कम पड़ जाएगा। जैसे कोल का एग्जाम्पल देखिए, कोल बहुत सारा है पर क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है फिर भी वो कम पड़ जाता है। फिर अगला बोला, रिसोर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेट, तो बोल रहे रिसोर्स लिमिटेड ही नहीं है बल्कि उसके अल्टरनेट यूज भी है। जैसे मैं आपको मस्टर्ड ऑयल का एग्जाम्पल दिया कि आप क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल महंगा हो गया तो उसके बदले आप क्या करेंगे, आप कोई सर रिफाइन ऑयल या कुछ और ऑयल इस्तेमाल करना शुरू, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट यूज। मतलब कोई चीज़ जो दुकान में कुछ होता नहीं तो दुकानदार क्या बोलता है कि इसके बदले आप ये ले लीजिए, या फ्लिपकार्ट में भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो दिखाता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, फिर उसी का अल्टरनेट खुद ही दिखाने लगता है कि दूसरी कंपनी में भी ऐसा प्रोडक्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड है, तो वही होता है उसका अल्टरनेट यूज। फिर बोला कि स्कार्स मीन्स कैन बी पुट टू अल्टरनेट, तो जो चीज़ें कम पड़ गई है, जो स्कार्स है, उसको पूरा करने के लिए आप अल्टरनेट यूज ढूंढेंगे। फिर बोला है कि अल्टरनेट यूज़ में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये, तो उससे या तो पेन खरीद लीजिए या मूवी के लिए चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा है तो उस पर आप पेड़ उगा लीजिए, गन्ना उगा लीजिए या वीट कल्टिवेशन कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो कम पड़ रहे हैं उसके लिए आप कैसे उसको अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तीसरे में आ जाएगा। चौथा, वी ओनली हैव टू मेक ए चॉइस, तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे चॉइस करते हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं। वी नीड टू मेक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स, तो हमें देखना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि कैसे हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, थोड़ा बहुत जो रिसोर्स है, उससे हम अपनी कैसे अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। रिसोर्स है लिमिटेड और इच्छाएं, वॉन्ट्स है हमारी अनलिमिटेड, तो कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा कर सकते हैं अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वॉन्ट, हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते विद लिमिटेड रिसोर्स, रिसोर्स तो थोड़े से हैं पर हमारी इच्छाएं अनंत है,
तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि लिमिटेड रिसोर्स हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। दिस लिमिटेड रिसोर्स कैन बी पुट टू अल्टरनेट यूज। हम लिमिटेड रिसोर्स का अल्टरनेट यूज ढूंढ सकते हैं। सो एवरी ह्यूमन बींग मस्ट डिसाइड विच वॉन्ट ही और शी विल सेटिस्फाई नाउ एंड। तो ये ह्यूमन बींग के ऊपर है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी इच्छाओं को अभी सेटिस्फाई करना चाह रहा है और किसको बाद में। अब किसी के मान लीजिए 5,000 या 10,000 ही सैलरी है, तो वो इस चीज का सपना नहीं देखेगा ना कि ब्रांडेड कपड़े पहनना है या फिर घूमने जाना है एंटरटेनमेंट। नहीं, वो पहले अपनी अभी की इच्छा को देखेगा, खाने पीने का हो जाए, स्कूलिंग बेसिक हो जाए बच्चों की, इस चीज पे जो है फोकस होगा। बाद में कोई और बड़ी इच्छा भी होगी तो उसको बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो इकोनॉमिक अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें रॉबिन के हिसाब से, तो ये है साइंस ऑफ चॉइस। चॉइस का आपका साइंसेस में होता है। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था हमारे रॉबिन के द्वारा। थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते पहले। देखिए, ज़्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, बस बेसिक ही पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स एक्जैक्टली होता क्या है? तो इसमें गुड्स और जो सर्विसेज है उसको कैसे प्रोड्यूस, कंज्यूम और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वही आपका इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड है आपका ओपमेनिया, यहाँ से आपका आया है। इसका मतलब होता है, ये जो पहला वर्ड है ओकेओस, इसका मतलब होता है होम, और इसमें जो नेमी जो दूसरा वर्ड है इसका मतलब है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। वहीं से ये जो ग्रीक वर्ड है वहीं से आपका इकोनॉमिक्स आया है। इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप है आपका एंड और स्कार्स के बीच में। एंड मतलब क्या आप चाहते हैं, वॉन्ट आपकी क्या इच्छा है, और स्कार्स मतलब कौन से रिसोर्सेज जो कि कम है, उन सब अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बोला है कि जो इकोनॉमिक्स का मेन कोर है कि हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे जो स्कार्सिटी है, मतलब चीज़ें कम है, हमें इसको समझना पड़ेगा, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम सही तरह से कैसे एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके, वो समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। तो तीन अलग अलग इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन दी थी। पहले थे एडम स्मिथ, बहुत पूछा जाता है एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो 1776 में जो आपके एडम स्मिथ है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक बोला जाता है। इनका कहने का मतलब था कि जो इकोनॉमी है वो है वेल्थ की स्टडी। वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है, इसको आप स्टडी कर लीजिए, आपका इकोनॉमिक का स्टडी हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन काफ़ी मेटलिस्टिक टाइप थी, मतलब पैसों के आसपास ही इनकी डेफिनेशन, वेल्थ के आसपास ही इनकी डेफिनेशन घूमती है। सेकेंड थे आपके मार्शल। मार्शल आपके एल्फ्रेड एक मार्शल थे, इकोनॉमिस्ट, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। इन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स आपका ह्यूमन का स्टडी करना। ठीक है, तो उन्होंने वेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया था, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका ह्यूमन को दिया गया था। इसमें बोला था कि जो वेल्थ है, वेल्थ कुछ भी हो सकता है, कोई कमोडिटीज, कोई भी चीज़ जो आपको इच्छाओं को सेटिस्फाई करती है, वो आपका वेल्थ इसमें हो जाएगा। तो इन्होंने जो है, इनको जो है, इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक को इस्तेमाल करना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कहना था मार्शल का, और इनकी जो डेफिनेशन है उसको ह्यूमन वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है। तीसरे थे रॉबिन। रॉबिन की डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन बोला जाता था। तो इनका कहने का मतलब था इकोनॉमिक्स एक साइंस है। कैसी साइंस? इसमें आपको स्टडी करना पड़ता है कि जो आपके एंड है, जो आपकी इच्छाएं हैं, और आपके जो स्कार्स, गिने चुने जो रिसोर्स है, आप अपनी इच्छाओं को गिने चुने रिसोर्सेज की हेल्प से कैसे पूरा कर पा रहे हैं, तो वही आपकी इकोनॉमिक्स है, उसी का स्टडी करेले रॉबिन्स ने बताया था। ठीक है, और जो रॉबिन है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कुछ और बारों के बारे में बात की थी। इन्होंने कहा था वॉन्ट्स आपकी अनलिमिटेड है, जो कि इच्छाएं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। फिर आगे इन्होंने बोला था कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये तो उन्होंने बी पॉइंट में बोला। सी में बोला था कि रिसोर्स सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है बल्कि उनके अल्टरनेट यूज भी है। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल एक रिसोर्स है पर उसकी कमी पड़ गई है, तो मस्टर्ड ऑयल के बदले घी या रिफाइंड कुछ और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिर आगे बोला वी हैव टू मेक ए चॉइस, वो हमारे ऊपर है, हम कैसे चॉइस करेंगे। ठीक है, तो देखियो चारों चीजें लाइन से उन्होंने बोली है। इनकी जो डेफिनेशन थी ना रॉबिन की, बहुत सिंपल से इन्होंने बात बोली है कि इच्छाएं अनंत है बट रिसोर्सेज जो है गिरी। इसको इनकी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रॉबिन है, रॉबिन का कहने का मतलब है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो वॉन्ट है, वो है अनलिमिटेड। वॉन्ट क्या? हमारी अनलिमिटेड है, इतनी सारी हम इच्छाएं कर सकते हैं। कोई पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूरी कॉपी भर देंगे, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो अनलिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्स है वो क्या है आपके? लिमिटेड है। ठीक है, अब हर कोई अपनी इच्छाएं करेगा तो कैसे पूरी होगी? चीज़ें तो कम पड़ जाती है ना, जो बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, चीज़ें कम पड़ जाती है, तो रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। फिर बोला था कि रिसोर्स लिमिटेड है प्लस उनको आप अल्टरनेट यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल एक रिसोर्स हो गया, वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो लिमिटेड है, हम मस्टर्ड के बदले रिफाइन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हो गया उसका अल्टरनेट यूज। लास्ट में इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन है उसको चॉइस करना पड़ेगा। अब आपकी 10,000 सैलरी है, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि 10,000 से आप या तो स्कूल की फीस भरिए या खाने पीने का खींचिए या घर का रेंट दीजिए या फिर उसे आप घूमने में, एंटरटेनमेंट में या ब्रांडेड कपड़ों में लगाइए। तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे पास रिसोर्स गिने चुने तो हमें चॉइस करना होगा ना कि हम अपनी 10,000 सैलरी को कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, क्या हम बच्चे के स्कूल की फीस के लिए या खाने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने ब्रांडेड कपड़े, घूमने, एंटरटेनमेंट उसके लिए कर रहे हैं। तो वो हमारी खुद की इच्छा है, चॉइस हमें करनी है। तो यही कहना था हमारे रॉबिन का। ठीक है, तो सिंपल से इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे दी है। इनकी डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोला जाता है। इन्होंने बोला कि जो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मतलब कितनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स कितने हैं, ठीक है, और डिमांड कितनी है। रिसोर्स ज़्यादा है, सॉरी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो चीज़ें कम पड़ेगी, स्कार्सिटी हो जाएगी।
ठीक है, सैलरी है सिर्फ 10,000 लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है, खर्चे 20,000, तो जो स्कार्सिटी, जो 10,000 का गैप बन गया उसी को स्टडी करना, वही हमारा रॉबिन, रॉबिन का डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जो कि हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक के फादर थे, ये इन्हीं को बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक है उनके फाउंडर थे कौन, एडम स्मिथ, और यही आपके इकोनॉमिक के फादर हैं, और यही आपके फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक के, इकोनॉमिक के फाउंडर और मॉडर्न इकोनॉमिक के फादर है कौन, आपका एडम स्मिथ। तो इन्होंने जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात की थी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे अगर आप इकोनॉमिक को स्टडी करोगे तो वो होता है आपका माइक्रो, मैक्रो मतलब कंट्री लेवल पे, कंट्री की जीडीपी क्या है, हाउस होल्ड इनकम क्या है, तो अगर कंट्री लेवल पे आप बात करोगे तो हो जाएगा मैक्रो। तो माइक्रो मतलब हाउस होल्ड छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे अगर आप इकोनॉमी की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका मैक्रो। ठीक है, फिर उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन करके एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। तो जब इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक लिखी थी ना, तभी से जो है मतलब इन्होंने अपनी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। इन्होंने बोला था माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक का ब्रांच है, विच टुडे इज कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी सच एज मार्केट, फर्म्स, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब आप, हम, फर्म्स, मार्केट कैसा बिहेव करते हैं उसको स्टडी करना, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी को लेकर इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन करके 1776 में बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया था हाउ इंडिविजुअल प्राइस आर सेट, स्टडी द डिटरमाइन द प्राइस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जैसे लेबर का, लैंड का, कैपिटल का प्राइस किस तरह से है, तो वो सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में इन्होंने नीचे क्या बोला था, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म मेक डिसीजंस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स। अब आपके पास मान लीजिए 10,000 का सैलरी है, ठीक है, एग्जाम्पल लिमिटेड रिसोर्स है, आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, जो हाउस होल्ड है वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, या फर्म्स जो है वो कैसे डिसीजन ले रही है, तो उन सबका स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में किया जाता है। इन ए मार्केट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर बिंग बॉट और सोल्ड, तो मार्केट में क्या हो रहा है, लोग गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहे हैं और जो कंपनीज है वो बेच रही है। ठीक है, तो जो फर्म्स है वो कैसे डिसीजन लेगी, वो हाउस होल्ड के हिसाब से लेगी, जिस हिसाब से हाउस होल्ड डिमांड करेंगे फर्म्स भी वैसा ही प्रोडक्ट बनाएगी। तो हाउस होल्ड और फर्म कैसे डिसाइड कर रहे हैं, उनका डिसीजन किस तरीके से काम कर रहा है, उनका डिसीजन काम करेगा उनके लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो माइक्रो अगर आपको शॉर्ट में एक वर्ड में इस्तेमाल करना पड़े, तो जो हाउस होल्ड किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं, किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्स की हेल्प से, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड के डिसीजन की बात की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इन्हीं की हेल्प से जो है लोग, जो हाउस होल्ड डिसीजन लेते हैं उसी के हिसाब से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई काम करती है। ठीक है, अगर लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब 10 लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो उतना ही है ना, उसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ना तय है, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई काम करेगी, तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी का कैसे साइकिल चल रहा है, मान लीजिए हाउस होल्ड लेवल पे आप है, आपका नाम है मिस्टर ए, आपने कोई डिमांड की, आपके जैसे 10 और हो गए, उन्होंने भी डिमांड की, तो डिमांड करने से क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम मतलब सप्लाई कम तो नहीं हुई, पर कंपेरेटिव में, कंपेरिजन के हिसाब से, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में सिर्फ 10 आया और आपके जैसे 20 लोगों ने डिमांड कर दी, तो यहाँ तो सप्लाई कम पड़ गई ना, क्योंकि 20 लोगों को चाहिए और मार्केट में सिर्फ 10 है, तो उस टाइम में बोला गया सप्लाई कम। अब सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, दुकानदार के पास आके सब लोग मांग रहे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है सिर्फ 10, तो जब कोई चीज़ कम होती है तो लोगों को आप महंगे में भी बेचो ना, लोग लेने को तैयार हो जाते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोगों का तो बजट उतना ही है, मान लीजिए लोग सोच के आए थे कि 10 रुपये में ये प्रोडक्ट मिलेगा, अब उसकी कीमत 10 के बदले 20 रुपये हो गई, प्राइस बढ़ चुका है, अब लोग क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। डिमांड कम हो जाएगा तो फिर बाद में फ्यूचर में लोग उसको जो है कम डिमांड करेंगे, तो उसका जो सप्लाई भी मैच हो जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे और उसकी वजह से जो प्राइस है वो भी बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा साइकिल काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज आपके माइक्रो में आ जाती है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये दूसरा ब्रांच है आपका इकोनॉमिक का। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो मैक्रो है, जो माइक्रो है वो तो हाउस होल्ड लेवल पे बात करता है, मैक्रो ओवरऑल कंट्री लेवल पे बात करता है। एक और बात है यहाँ पे मजेदार, कि जो मैक्रो है ना उसका कंसेप्ट 1936 से पहले तो था ही नहीं, यानी 1936 से पहले मैक्रो के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, हर कोई सिर्फ माइक्रो को ही जानता था। जॉन केन्स ने जो है अपनी बुक पब्लिश की, इनकी बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो जब से इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की तब से मैक्रो के बारे में बात की जाने लगी। एट दैट टाइम इंग्लैंड एंड यूएस वर स्टिल स्टक इन ग्रेट, तो 1930 में यूएस और जो आपका इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज है, यहाँ पे काफी डिप्रेशन का सामना, ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, तो वो अभी तक अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आई थी, और उसी टाइम पे 5-6 साल में ये बुक इनके द्वारा लाई गई थी। तो इस इनके द्वारा जो बुक थी वो कंट्री पे किस तरह से इन्फ्लेशन इन सबका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारी बातें इनकी बुक में की गई थी।
तो उस टाइम पे जो आपके अमेरिका थे और ये आपके इंग्लैंड थे, तो इस तरह की कंट्री में जो 1930 में, आपने सुना होगा ना, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, सबसे बड़ा दुनिया का डिप्रेशन आया था। इन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ा था इकोनॉमी में। तो 1930 से 1936 में आते आते इनका डिप्रेशन का जो असर था वो कम नहीं हुआ था। अमेरिका की तो जो 1/4 पॉपुलेशन था ना, 1/4, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा, मतलब जॉब ही नहीं है, ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो इन दिस थ्योरी, तो इन्होंने जो बुक लिखी थी केन्स ने, तो उन्होंने डेवलप किया था एनालिसिस ऑफ व्हाट कॉज बिजनेस साइकिल। तो उन्होंने बोला था कि बिजनेस साइकिल के क्या कारण होते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला था कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है, उसका क्या कारण है, ये सारा इन्होंने अपनी बुक में बताया था। टुडे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनर वाइड, आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो जो मैक्रो है ये आपके कई सारे एरियाज को कवर करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है, कंजप्शन कितना हो रहा है, सेंट्रल बैंक कैसे पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और वाई सम नेशंस ग्रो, कुछ नेशंस काफी ग्रो कर रहे हैं और कुछ पीछे रह गए, तो क्या उसका कारण है। तो ये सारी चीजों की बात आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। मैक्रो मतलब एज ए होल, ओवरऑल लेवल पे इकोनॉमी की बात की जाएगी तो वो आपका हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हाँ, नीचे उन्होंने बता रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यह आपका इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो बात करता है परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए नेशन और रीजनल इकोनॉमी। तो ये आपके नेशन की बात करता है, आपका जो नेशन है, आपके रीजन जो है उसके बारे में बात करता है। इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स। तो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है उसमें किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं उसकी बात होती है मैक्रो में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे इंडिकेटर है, जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, आपकी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, किस तरह से आपके प्राइस इंडेक्स काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे मॉडल भी डेवलप किए जाते हैं दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग फैक्टर्स, जैसे आपकी नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, सेविंग है, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल फाइनेंस बढ़ रहा है, तो उन सभी फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है कौन, मैक्रो। तो मैक्रो में कई सारी चीज़ें, मतलब इकोनॉमी एज ए होल ओवरऑल लेवल पर जो है देखा जाता है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो मतलब छोटा, इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे लिखा भी है कि माइक्रो में आपका इंडिविजुअल लेवल पे फॉर्म किस तरह से, कंज्यूमर किस तरह से डिसाइड कर रहे हैं, तो वो चीजें देखी जाती है माइक्रो में, बट मैक्रो एज ए होल जो है देखा जाता है। फिर वही बोला है कि जो आपकी मॉडर्न इकोनॉमी है तो वो दोनों से मिलकर बने, माइक्रो और मैक्रो दोनों को मिला के आपकी मॉडर्न इकोनॉमी बनी है, ठीक है। चलिए इसके साथ ये पार्ट वाला वन जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है 15-20 मिनट का, इसको हम लोग पार्ट टू में कवर कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट ही लगेंगे। ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी ना, मैक्रो और माइक्रो। तो एडम स्मिथ को फादर बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं, इनकी बुक का नाम पूछते हैं, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, तो वहाँ उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात की थी। इन्होंने बोला था हाउस होल्ड कैसे अपना डिसीजन लेते हैं, जो फॉर्म्स है उनके डिसीजन से कैसे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है एडम स्मिथ ने अपनी बुक में बताई थी। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में बात की जाती है कि जो हाउस होल्ड, जो फर्म है, वो कैसे डिसीजन लेते हैं ताकि उनके जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको वो इस्तेमाल कर सके अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है। रिसोर्स लिमिटेड है पर कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो वो सारी चीज़ हमारे माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी की जाती है। मैक्रो में जो है 1936 से पहले तो मैक्रो का कंसेप्ट ही नहीं था, मतलब तब सिर्फ माइक्रो इकोनॉमी का ही एग्जिस्टेंस था, और मैक्रो की शुरुआत कब से हुई, 1936 से हुई, ठीक है। तो जॉन केन्स थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, इनकी बुक काफ़ी रिवोल्यूशन, मतलब इनकी बुक ने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन ला दिया था मार्केट में। तो इनकी बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बुक के बारे में भी काफी पूछ लेते हैं, एक नंबर का ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इन्होंने अपनी बुक में मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात किया था। इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट को 1930 में ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था, ठीक है, कई सारा तो इनका डिप्रेशन कम नहीं हुआ था, यहाँ तक कि अमेरिका की 1/3 जो, सॉरी 1/4, यानी 1/4 जो लेबर फोर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो गई थी। तो केन्स ने अपनी थ्योरी में काफी सारी चीजें बताई थी कि बिजनेस साइकिल किस तरह से काम करती है, हम लोग जानते हैं ना बिजनेस साइकिल क्या होती है, तो वो पूरा कुछ इन्होंने अपनी थ्योरी में इन्होंने बताया था। इन्होंने बोला था कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों आ जाता है, इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई क्यों आ जाती है, लोग अनएम्प्लॉय क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी देखिए 1/4 पॉपुलेशन अनएम्प्लॉय थी, तो इन सभी के कारण इस बुक में दिए गए थे, जिसकी वजह से ये बुक काफी ज्यादा फेमस हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। अभी भी इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका बताता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट इन सबको सेंट्रल बैंक मैनेज करता है, पैसे को कैसे वो मैनेज करते हैं। आप जानते हैं ना सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई को रोक के रखना। आरबीआई के पास कई सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल वो करता है अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अगर उसको लगेगा आरबीआई को कि लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो बहुत सारे पैसे हैं तो लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो करेंगे डिमांड। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों को जो पैसा चाहिए ना लोन, आरबीआई से महंगे रेट पर मिलता है, क्योंकि बैंकों को महंगे रेट पर मिल रहा है तो जनता से भी बैंक महंगा रेट लगाते हैं, क्योंकि लोगों को महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, तो उनके पास पैसे कम हो जाएंगे और वो डिमांड भी कम करेंगे, और जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा
मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, कोविड टाइम पे हो गया था, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे आपने देखा था कि रेपो रेट आरबी ने बहुत ज्यादा घटा दिया था, तो जिसकी वजह से बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बहुत सस्ता कर दिया था। अब देखिए कोविड टाइम पे हाउसिंग लोन 6% 6.5% ऐसा था, और अभी ये 8.5-9% हो गया। तो इतना सस्ता इसलिए कर दिया गया था क्योंकि कोविड पे लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है, वो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा था। अगर ज्यादा टाइम तक चलता ना ऐसे कि पैसे नहीं, कोई डिमांड नहीं कर, तो पूरी मार्केट क्रैश कर जाती, तो वो कंट्रोल करना आरबीआई एक सेंट्रल बैंक का काम होता है, तो इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो लोगों के पास पैसे ना हो ऐसी स्थिति आ जाए तो आरबीआई क्या करता है, अपना रेपो रेट को घटा देता है, मतलब बैंकों को सस्ते में लोन देता है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो सस्ते में लेके जाओ, क्योंकि बैंक को सस्ते में पड़ रहा है तो आगे जनता को भी सस्ते में लोन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे टूल्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को बनाए रखता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देखी गई। फिर मैक्रो इकोनॉमिक जो है, कंट्री का क्या जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, प्राइस इंडेक्स किस तरह से काम कर रहा है, तो ये सारी चीजों का इंडिकेटर होता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, उन सब का स्टडी किया जाता है। फिर बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक में ऐसे मॉडल डेवलप किए जाते हैं जिससे लोगों को पता लग सके कि आउटपुट, इनकम, कंजप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, तो इन सभी फैक्टर्स को स्टडी किया जाए, इन सबके बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक। मतलब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कितने ज्यादा बेरोजगार हैं, कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, लोगों की नेशनल इनकम कितनी है, कितनी महंगाई है लोगों के, कितना वो सेव कर पा रहे हैं, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कितना बड़ा है, इंटरनेशनल फाइनेंस कितना मिला है, तो ये सारी चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कौन आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो छोटे लेवल पर होता है कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से वो अपने जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करने के बारे में किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, तो उसकी बात माइक्रो में की जाती है। माइक्रो और मैक्रो को मिला के बनता है आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न में आपके माइक्रो भी हो जाएगी और आपके मैक्रो भी हो जाएंगे। माइक्रो को तो आपके एडम स्मिथ ने बताया था, और मैक्रो को किसके बताया था, ये था आपके जॉन केन्स ने अपनी बुक लिखी थी ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तब से ये जो आपका मैक्रो का कंसेप्ट है ये भी काफी फेमस हो गया था। आगे के थोड़े से टॉपिक और बचे हैं, उसको हम लोग पार्ट टू से शुरू कर लेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।